नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राहुल गांधी की खटाखट स्कीम को लेकर अब धीरे धीरे इस पर खुलासे हो रही है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने जो खटाखट वादे किए थे, कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रही हैं। क्योंकि वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन इन वादों को जो इन्होंने किया था, और जिस तरीके से 1,00,000 रुपए देने की बात कही थी, 8,500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अब केरला और हिमाचल प्रदेश में सरकार कर्ज में डूबती नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस बात को कबूल खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर आए, लेकिन इसका ठिकरा उन्होंने बीजेपी के सर फोड़ दिया। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से लोग जो है इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और खटाखट स्कीम को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस समेत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी घेर रही है और ये कह रही है कि अगर पैसे नहीं है तो राहुल गांधी से ले लो। खटाखट स्कीम के चक्कर में उन्होंने लोगों को बेवकूफ तो बनाया, खटाखट आप ही को पैसे दे देंगे। अब ऐसे में माजरा क्या समझिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश के साथ अनदेखी हुई, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले वर्ष मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की एवज में 9,042 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया गया। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर जो है आरोप लगाते कहा कि जो है पूर्व प्रदेश भाजपा सरकार के समय मिलने वाला राजस्व घटा अनुदान राशि को प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए से घटाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू यही नहीं रुके, उन्होंने वित्त आयोग से बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अभूतपूर्ण ऋण लिया और राज्य को ऋण के नीचे दबा दिया। अब हालत यह है कि सरकार को ऋण का ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है। मतलब ये बात ये मान रहे हैं कि जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश की वह वैसी है कि बकाया चुकाने के लिए जो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट है लोन का, उसे भी चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेना पड़ रहा है। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा गया था, जिसके कारण राज्य को राजस्व घाटा अनुदान में कम धनराशि प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रहित में 68% वन क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करके हरित जो है आवरण को क्षति नहीं होने दी है। उन्होंने कहा जंगल काटने से भी फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कुछ भी जो है हमें करने नहीं दिया है, उस पर भी स्टे लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में आने वाले चक्रवात की तुलना को हिमाचल प्रदेश में बरसात से होने वाले भारी लैंडस्लाइड से नहीं की जा सकती है, और इस बात को देखना और समझना जरूरी है। और क्या कुछ कहते नजर आए इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू, जरा सुनिए। हमने प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमारे पास जंगल है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, अगर हम जंगल काटने की परमिशन देते हैं तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमें उपेक्षा होती है। हमने पूरी तरह जंगलों पर 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है उस पर बैन लगा रखा है, उस मामले को भी आप ध्यान में रखिए। और जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिल रही है वो इस वर्ष सिर्फ 3,000 करोड़ के करीब रह गई है, उससे पहले पिछली जो सरकार थी उस समय 10,000 करोड़ रुपया आती थी, अब सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह गई है। और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं, उस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको दे देंगे। हमने कहा कि हमारा RDG ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए, 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, हिल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, पैमाने प्लेन इलाके के नहीं चलेंगे, पहाड़ में कुछ और बात होती है, इस संदर्भ में हमने बात की है। और मेरा मानना है कि हमने सभी बातों को गंभीरता से रखा और इस पर जल्दी ही आने वाले 1-1.5 साल बाद जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा
तो उसमें ये बातों का ध्यान रखेगा। नहीं, आपदा के समय हमने कहा कि आपदा में जो SDRF है, NDRF के तहत जो डिजास्टर का पैमाना है वो प्लेन इलाके की तरह नहीं चल सकता। पहाड़ के अलग डिजास्टर होते हैं। उड़ीसा में अगर साइक्लोन आता तो उसका कुछ और अलग है, पर हिमाचल में अगर लैंडस्लाइड्स होता तो उसका कुछ और अलग है। तो ये सब चीज़ें हमने उनको बताई और अब देखते हैं उसके बाद। अभी पूरे राज्य इसमें औद्योगिक पैकेज नहीं होता। हाँ जी, रिस्पॉन्स क्या है फाइनेंस कमीशन का? नहीं, आपकी डिमांड्स को कंसीडर करेंगे वो फाइनेंस 15-16 फाइनेंस कमीशन अभी तो पूरे राज्य में जाएगा। एक डेढ़ साल बाद इसकी जब रिकमेंडेशन जाएगी तो उस रिकमेंडेशन में देखते क्या मिलता है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बात जो है कबूल की है कि किस तरीके से स्थिति जो है राज्य की खराब है, जिस तरीके से अब राज्य चलाना मुश्किल हो जा रहा है, जो पैसे लिए गए, जो लोन लिए गए, अब उनके इंटरेस्ट को चुकाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लोग इस मामले को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार को घेरते नजर आ रही हैं। इसको लेकर अंकुश सिंह लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ खटाखट पॉलिटिक्स ऑफ रेवड़ी। उन्होंने कहा, पहले केरला और अब हिमाचल प्रदेश, अब दोनों ही इस वित्तीय संकट में फंस चुके हैं। अब ये अपने राज्य को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि ये पूरे देश का क्या करते अगर इनके हाथ में पावर आ जाती। यही नहीं, कुछ लोग कह रही हैं कि अब तक के सबसे बेकार मुख्यमंत्री जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, डोनेशन बॉक्स में भी खटाखट का साउंड आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने ही खटाखट बैंक से क्यों नहीं लोन ले लेते हैं, जहां पर जिसको आपके CEO ने पास किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आम जनता को रेवड़ी बांटकर बेवकूफ बनाया और उसके बाद अब स्टेट बजट में इसको लाकर कहीं ना कहीं दाम बढ़ाकर अब जो है पूरी तरीके से जो है कांग्रेस का ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने लोगों ने भी इंडिया अलायंस को वोट दिया है वो सब इसके लिए जो है जिम्मेदार है। तो एक और व्यक्ति लिखते हैं कि इसकी सरकार वैसे भी गिरने वाली है, सबसे नाकामयाब मुख्यमंत्री है ये। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है तंज कस रहे हैं और कह रही हैं कि जिनके पास राज्य का खर्चा चलाने के पैसे नहीं है, जिनके पास राज्य की बेसिक नेसेसिटी राज्य के लोगों की पूरा करने के पैसे नहीं है, वो खटाखट स्कीम लेकर आए थे कि महिलाओं को 8,500 हर महीने और 1 साल रुपए सालाना देंगे। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं। और अगर कांग्रेस के पास खटाखट स्कीम के तहत 1 लाख रुपया साल का और 8,500 रुपया महीने का देने का इतना पैसा उनके पास अगर अवेलेबल है, तो फिर हिमाचल प्रदेश में अपनी जहां पर उनकी सरकार है वहां आम जनता की मदद क्यों नहीं कर रहा है, राज्य की मदद क्यों नहीं कर रहा है, राहुल गांधी से क्यों नहीं लोन ले रहे, उनसे क्यों नहीं इस चीज के लिए जिक्र कर रही है। तो तरह तरह की बातें जो है की जा रही है, तरह तरह की चीजें जो है कही जा रही है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है अब इन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। यानी जो खटाखट स्कीम इन्होंने लाई थी, अब इसके बाद से आप देखिए कर्नाटक की हाल देखिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, आज दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, अब केरला का हाल देखिए, अब हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कह रही है कि राज्य में ऋण है, ऋण को चुकाने के लिए भी कहीं से ऋण लेना पड़ रहा है। यानी स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके पीछे का कारण है फ्री रेवड़ी बांटना। एक बड़ा एग्जांपल जो है आप दिल्ली में भी देखिएगा कि फ्री रेवड़ी बांट बांट के आज जनता जो है तिल तिल के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और नेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फ्री रेवड़ी के साइड इफेक्ट जो है वो लगातार आप कह सकते हैं विपक्ष शासित राज्यों में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।